तो गाइज रुस्लान मूवी रिलीज हुई है, काफी एक्शन पैक्ड मूवी है। जब ट्रेलर देखा था तो काफी सारा एक्शन दिखाया गया था और जॉन विक वाली फील देने की कोशिश करी गई थी, लेकिन मूवी देखने के बाद काफी चीजें डिसअपॉइंट करते हैं। और आयुष शर्मा ने भी टाइगर श्रॉफ और सलमान खान बनने की कोशिश करी है इस मूवी में, तो इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस मूवी में आयुष शर्मा को एकदम से सलमान खान की तरह एक्ट करता हुए देख सकते हैं और एक्शन में थोड़ा सा टाइगर श्रॉफ वाला फील आता है, तो यहाँ पे दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन आया है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ काम खराब हुआ है। और सलमान खान की एक्टिंग भी, जो उन्होंने किसी का भाई किसी की जान में करी थी, तो आप सोच सकते हैं कि मूवी का क्या स्टैंडर्ड है। हालांकि मूवी 2 घंटे की ही है, लेकिन काफी स्लो स्क्रीन प्ले और काफी ग्रिपिंग वाला कोई सीन नहीं है जहां पे आप कनेक्ट कर पाओगे मूवी के साथ। दो ही चीजें इसमें मेरे को अच्छी लगी, जो कि एक्शन सीक्वेंस काफी ठीक ठाक थे, अच्छे लगे, कुछ सीन्स थिएटर में आपको देखने में मजा आएगा। और मूवी के लास्ट में एक गेस्ट अपीयरेंस है सुनील शेट्टी का, वो बढ़िया लगा। तो मूवी गाइज वैसी ही है, वन मैन आर्मी टाइप की मूवी, क्योंकि इसमें आयुष शर्मा के ऑपोजिट में रॉ, एटीएस और पुलिस वगैरह भी पड़ी हुई है, तो वो कैसे इन लोगों से बचता है और कैसे इनके साथ मुठभेड़ होती है और क्या रीजन है कि सारी पुलिस फोर्स आर्मी वगैरह उसके पीछे पड़ी हुई, तो ये मूवी देख के ही आप पता लगाएं। और ओटीटी का वेट कर सकते हैं मूवी के लिए। हाँ, इसके अंदर कोई वल्गर सीन नहीं है, कोई न्यूडिटी सीन नहीं है, फैमिली फ्रेंडली मूवी है। वीकेंड पे आप फ्री हैं तो डेफिनेटली देखने जा सकते हैं, खाली थिएटर मिलेगा आपको, बढ़िया एसी में आप वहां पे अच्छी सी नींद भी ले सकते हैं वीकेंड पे। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू, आप लोगों ने मूवी देख ली है तो अपने ओपिनियन कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे रिव्यू वीडियोस आती रहेंगी, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय गाइज।